सीधी तस्वीरें इस वक्त की कुंजवानी से हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक रिकवरी करने आए लोगों को जो है वो पुलिस ने यहाँ से, यानी कि यहाँ पर जो गोलीकांड का मामला सामने आया है या और उसी को लेकर यहाँ से कुछ लोगों को फिलहाल पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया है। ये आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में इस वक्त यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में पुलिस यहाँ पर जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुँची हुई है और कई सारे लोगों को यहाँ पर जो है वो हिरासत में यहाँ पर जो है वो लिया गया है। अभी भी लगातार जो है वो अंदर जो है पूछताछ चल रही है और पुलिस की टीम यहाँ पर मौके पर पहुँची हुई है और लगातार यहाँ पर पूछताछ करने का काम कर रही है। ये आप देख सकते हैं ये वो गाड़ी है जिस पर कई सारी गोलियां यहां पर चलाई गई हैं और अभी भी यहां पर ये गोली यहां पर चली है और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। गाड़ी की हालत अगर आप देखेंगे तो गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियों पर यहां पर लगातार जो है वो रोंद यहां पर जो है वो चलाए गए हैं और जो लोग यहां पर बैंक के जो भी लोग यहां पर रिकवरी के ये मीडिया आप इनको बैंक वालों को थरा जाए घर में आने के किस्तों मारनी बताओ ना आप घर में आने के घर में लोन लाना कोर्ट केस कर दो बैंक वालों के पास नहीं होती किस्ता ये सरदार ना उसके बाजू पर किस्ता नहीं भरी है नहीं के मैं खुद देखी वो उसके बाग में लगाई हुई और जब बाग के तो मेरे वो बैठे की निकाली है ऐसे झूठा इल्जाम लगा रहे हो आरोप पे बातें कर रहे हो पकड़ा अपना ऐसे ही झूठा इल्जाम लगा रहे हो आरोप हमारे दो बंदे अंदर बंद किए हुए थे पूरी पार्टी बनैन मैं ही पार देता हूँ अपनी बनैन तो फिर क्या करोगे आप ऐसे बातें बनाते हो। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे गोलीकांड के मामले में दो लोगों को यहाँ से जो है वो गिरफ्तार भी किया है और ठीक चिनाब कॉलेज ऑफ एजुकेशन बिल्कुल पास का ये पूरा मामला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो गाड़ी है इस पर यहाँ पर जो है वो गोलियाँ यहाँ पर चलाई गई हैं।